कार्यकर्ताओं को और इतना सम्मान दे सकती है। होली के एक दिन पहले बीजेपी की पांचवी लिस्ट आई, तो इस लिस्ट से गाजियाबाद के सांसद और पूर्व सेना प्रमुख जनरल रिटायर्ड वीके सिंह का नाम गायब था। हालांकि लिस्ट आने से पहले ही वीके सिंह ने चुनावी मैदान से हटने की घोषणा कर दी थी, यानी उन्हें पहले ही इस बात का अंदेशा हो गया था कि उनका पत्ता साफ हो सकता है। वीके सिंह की जगह बीजेपी ने गाजियाबाद शहर का विधायक अतुल गर्ग को प्रत्याशी घोषित किया है। गर्ग के प्रत्याशी बनाए जाने में प्रदेश संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। उनके पिता दिनेश चंद्र गर्ग नगर पालिका के पहले चेयरमैन और पहले मेयर भी रह चुके थे। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि अतुल गर्ग 2017 और 2022 में शहरी क्षेत्र से विधायक रहने के साथ ही संघ से जुड़े कई पदाधिकारियों के भी काफी करीबी माने जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी उनकी नजदीकियां रही हैं। 2017 में चुनाव जीतने के बाद उनकी तत्कालीन प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल से भी काफी अच्छे संबंध बन गए थे। यही वजह है कि वो 2017 के बाद गठित हुई योगी सरकार में मंत्री बने और 5 साल तक मंत्री रहे। हालांकि बंसल के संगठन मंत्री पद से हटने के बाद 2022 में गठित हुई योगी सरकार में उन्हें मंत्रालय नहीं मिला था। गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र के एक दशक तक सांसद रहे रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने रविवार देर शाम करीब 8 बजे एक्स पर पोस्ट किया कि वो 2024 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके करीब 1 घंटे बाद ही 9 बजे पार्टी ने लिस्ट जारी कर गाजियाबाद से अतुल गर्ग को लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि गाजियाबाद से प्रत्याशी की घोषणा न होने से वीके सिंह काफी असहज महसूस कर रहे थे। रविवार को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से बात भी की, वहीं से उन्हें टिकट न मिलने के संकेत मिल गए थे। इसके बाद ही उन्होंने चुनाव न लड़ने को लेकर पोस्ट किया। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि जिस प्रकार से पिछले करीब 1.5 साल से जिले के विधायकों और स्थानीय संगठन के साथ वीके सिंह की खींचतान चल रही थी, दोनों ही ओर से एक दूसरे पर कई बार आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, वहीं प्रदेश संगठन भी विधायकों के साथ ही खड़ा नजर आ रहा था। ऐसे में वीके सिंह के टिकट कटने की यही मुख्य वजह मानी जा रही है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।